जाएंगे और शेप टूल में एक लाइन का एक टूल ले लेंगे, यहाँ पे एक अपने कलर पे आएंगे और कलर में कोई एक कलर चूज कर लेंगे और यहाँ पे एक ड्रैग कर लेंगे अपना एक लाइन। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ, फिर यहाँ पे ड्रैग करने के बाद यहाँ पे डाल लेता हूँ, फिर यहाँ पे आऊंगा और टूल पे आऊंगा, यहाँ पे ये टूल ले लूंगा दूसरा अपना ये वाला कलर, यहाँ पे डाल लेता हूँ कलर, फिर यहाँ आके दूसरा ग्रीन कलर लेता हूँ, ये ग्रीन कलर यहाँ पे डाल देता हूँ। इसको ग्रेडियंट बनाने के लिए हम यही करने वाला, ग्रेडियंट बनाना है। यहाँ पे आएंगे, रिसाइज पे आएंगे, रिसाइज पे आने के बाद पिक्सल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेंटेन पे एस्पेक्ट को कम करके यहाँ पे एक कर देंगे, एक करने के बाद एक इसको ओके कर देंगे, फिर आएंगे इसी पे रिसाइज पे, रिसाइज पे आकर यहाँ पे आएंगे मेंटेन एस्पेक्ट जैसे वो कम कर देंगे, पिक्सल पे क्लिक करने के बाद इसको पिक्सल पे क्लिक कर देंगे, पिक्सल पे क्लिक करने के बाद इसको फिर से हम लोग 715 कर देते हैं। अब देखिएगा हमारा ट्रिक, यहाँ देखिए ग्रेडियंट कलर हो गया, मतलब एक मिक्स कलर हो गया। ठीक है,